माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ द डर्माको ब्रांड के एक ऐसे जेल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, एक सीरम जेल आप कह सकते हैं, जो क्लेम करता है कि स्किन में से डार्क स्पॉट्स को करेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है द डर्माको 3% कोजिक एसिड डार्क स्पॉट करेक्टर जेल। और इसी प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग की। सो पैकेजिंग वाइज ये जेल भी द डर्माको के अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के तरह पैकेजिंग में आता है, कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग में, जिसके फ्रंट पे लिखा है 3% कोजिक एसिड डार्क स्पॉट करेक्टर जेल। एंड इसमें लिखा है फॉर स्पॉटलेस रेडियंट स्किन, ये आपको प्रोवाइड करता है इसमें मेंशन किया गया है। सो इस प्रोडक्ट के अंदर ना 3 की इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड एंड ट्रेनिजमिक एसिड। सो कोजिक एसिड स्किन में से डिसकलरेशन को कम करने में हेल्पफुल रहता है, साथ ही में स्किन डैमेजेस जितने भी होते हैं लाइक एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, इन सभी को फेड करने में हेल्पफुल रहता है। एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट है एजेलिक एसिड। सो एजेलिक एसिड भी स्किन के डिसकलरेशन को करेक्ट करता है, एक इवन स्किन टोन प्रोवाइड करता है, साथ ही में ये भी एक्ने स्कार्स को कम करने में हेल्पफुल रहता है। एंड इसका थर्ड की इंग्रेडिएंट है ट्रेनिजमिक एसिड। सो स्किन से पिगमेंटेशन को कम करता है, स्किन में जितने भी हार्मफुल चीज़ें हो चुकी है लाइक एक्ने स्पॉट्स हो चुके हैं, डार्क स्पॉट हो चुके हैं, उसे कम करता है। और स्किन में जो जिसे हम छाया कहते हैं ना, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन को भी ये कम करने में हेल्पफुल रहता है। सो इसके नीचे पे लिखा है दिस प्रोडक्ट इज़ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड पैराबिन एंड एसएलएस फ्री, यानी कि इसके अंदर किसी भी टाइप से हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है, जिसमें इस प्रोडक्ट का प्राइस है 499 रुपीज़। और मैंने इस प्रोडक्ट को पर्पल से बाई किया था, सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट अंडर रुपीज़ 390, मतलब अंडर रुपीज़ नहीं, सिर्फ मैंने 390 का ही मैंने इसको बाई किया था। वेल, ये ना हमेशा सेल पर रहता है, लाइक आपको 400, 350 या फिर उससे ऊपर नीचे वाली सेल में देखने को मिलेगा। वेल, इसके लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है, वहाँ जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें इसकी एक्सपायरी डेट है फॉर टू ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, तो 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। और बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की, तो सभी ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल रहता है, इनफैक्ट आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे भी ये अवेलेबल मिलेगा ये प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट एक जेल बेस्ड फॉर्मूला में है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड बात करें अगर इसके बैक साइड पे, इसके साइड पे ना इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है कि व्हाट मेक्स इट ऑसम, यानी कि इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ करी गई है जो इसे ऑसम बनाता है इस प्रोडक्ट को। योर फेवरेट कोजिक एसिड नाउ इन अ जेल फॉर्म, यानी कि जो कोजिक एसिड जो सीरम्स आते थे बेसिकली वो एक जेल फॉर्म में आता है, अब इस प्रोडक्ट के अंदर दिया गया है, जो फाइट करता है डार्क स्पॉट्स पे। और इसके अंदर ना इन्होंने कोजिक एसिड के साथ एजेलिक एंड ट्रेनिजमिक एसिड का यूज़ किया है, जो डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, डार्क सेल्स को भी ये क्लीन करने में हेल्पफुल रहता है, एक इवन स्किन टोन आपको प्रोवाइड करता है। और इस जेल को रेगुलर यूज़ करने से ना आपकी स्किन पे जो मेलानिन प्रोडक्शन है ना वो भी कम हो जाएगा, और आपकी स्किन में से एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस भी कम करेगा। इट्स टाइम टू से हेलो टू रेडियंट स्मूथ क्लियर एंड सॉफ्ट स्किन विथ आर 3% कोजिक एसिड डार्क स्पॉट करेक्टर जेल। द बेस्ट पार्ट इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, और ये प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें ये चीज़ शो करी गई है। सो इसमें बाकी की ये चीज़ें यूज़ करी गई, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, कॉशंस इसके दिए हैं, हाउ नॉट टू यूज़ इसमें दिया है। सो इसमें लिया है हाउ नॉट टू यूज़, कि क्या हमें चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। डू नॉट अप्लाई दिस जेल ऑल ओवर द फेस, पूरे फेस में आपने इसको अप्लाई नहीं करना। वैसे ये चीज़ ना मैं डेमो वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, बट फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन शुड बी डन ओनली इन द अफेक्टेड एरिया इफ़ यू डेवलप सम इरिटेशन, रिंस ऑफ एंड डिसकंटिन्यू इन यूज़। और उसमें कॉशन भी दिया गया है कि आपने पैस्टस करना है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। एंड इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विद अ हाई परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो इसके अंदर ना हाई परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। देयर कैन बी एन इनिशियल पर्गिंग पीरियड ड्यूरिंग विच योर स्किन मे रिक्वायर अप टू 2 वीक्स टू एडजस्ट, मतलब हो सकता है कि आपकी स्किन को थोड़ा ये सूट ना करे तो 2 हफ्ते अराउंड आपको लग सकते हैं, बट अगर आपको इससे एलर्जी, इरिटेशन, रेडनेस हो रही है देन आपने इसको यूज़ नहीं करना है। और इसके बैक साइड पे लिखा है दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम सल्फेट, डाई, पैराबिन एंड मिनरल ऑयल, फ्री प्रोडक्ट है। एंड इसमें ना
बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो एक बार वीडियो को ना अच्छे से पॉज करके अपने इंग्रेडिएंट्स अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना एक बार। फिर इसके नीचे जस्ट वो लिखा है क्लींस ट्रीट मॉइस्चराइज एंड प्रोडक्ट, यानी कि पहले आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है, देन ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सीरम जेल, आई मीन दिस स्पॉटलेस जेल जो भी है ये। तो फर्स्ट आपने क्लीन करना है अपनी स्किन को विद द हेल्प ऑफ फेस वॉश, देन आपने ट्रीट करना है इस जेल के थ्रू या फिर सीरम के थ्रू, देन मॉइस्चराइज। एंड फोर्थ स्टेप है कि डे टाइम पे आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है जो एक्चुअल में आपके रिंकल्स फाइन लाइन को कम करेगा, डार्क स्पॉट्स को कम करेगा, स्किन को ना सन की हार्मफुल रेज यूवीए यूवीबी रेज से प्रोटेक्ट करेगा। तो अब बात करते हैं अगेन इस प्रोडक्ट की। सो इसके टॉप एंड बॉटम एरिया पे डर्मा को डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट ये लिखा हुआ है। तो चलिए फिर अब इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी इसके अंदर का प्रोडक्ट। तो ओपन करने में ना कुछ इस टाइप सी पंप काइंड ऑफ पैकेजिंग पे आपको ये प्रोडक्ट दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इसके टॉप पे इधर पे इसका नोजल है, यहाँ से ये पंप होता है, आप क्लोजअप शॉट में देख सकते हैं। और इस पे ना प्लास्टिक की कैप आती है, ये एक ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, छोटी सी कन्वीनियंट पैकेजिंग में आता है, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट। सो इसकी इनर पैकेजिंग में भी वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है जो इसकी आउटर पैकेजिंग में, इसकी कार्डोटेक पैकेजिंग में मेंशन की गई थी। सो फ्रेंड्स ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का डेमो। सो फ्रेंड्स अब मैं यूज़ कर रही हूँ द डर्मा को 3% कोजिक एसिड डार्क स्पॉट करेक्टर जेल। और इसको यूज़ करने से पहले ना एक बार अच्छे से अपनी स्किन पे फेस वॉश कर लेना, मतलब अपनी स्किन को क्लीन कर लेना, देन आप चाहें तो टोनर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अपने फेस पे आपको जितनी भी आपको अमाउंट चाहिए, मतलब जितने भी आपके कंसर्न है स्किन पे ना उसके अकॉर्डिंग लेना। सो जस्ट मैं यहाँ पे 1 पंप ले रही हूँ और अभी ना मुझे करंटली आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे फिर से यहाँ पे मुझे पिंपल्स हुए थे 2-3 दिन पहले, तो उसी के स्पॉट्स हैं ये अभी। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ यहीं से अप्लाई करना। सो जहाँ जहाँ पे आपके स्पॉट्स हैं ना वहाँ पे आपने इस जेल की अच्छी खासी क्वांटिटी अप्लाई कर लेनी है। और थोड़े बहुत आप देख सकते हैं मेरे फोरहेड पे भी ना छोटे छोटे से डार्क स्पॉट है, तो मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ हल्का हल्का सा। और पहले आपने स्प्रेड करना है, देन डैप करना है आपने इस सीरम को, ताकि आपके जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है जहाँ जाए स्किन पे वहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपने जस्ट आपकी स्किन पे जितने एरियाज पे इसकी ज़रूरत है, लाइक अगर आपको डार्क स्पॉट हो रखे हैं, आपको झाई वगैरह की प्रॉब्लम हो रखी है हल्की फुल्की या पिगमेंटेशन हुई है, तो बस उतने ही एरिया में आपने इसको अप्लाई करना है। और ये जो डार्क स्पॉट करेक्टर है ना वो स्किन पे ना थोड़ी बहुत कूलिंग सेंसेशन भी देता है। और आपने पैसे जरूरी कर लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में मे भी आपको सूट ना करे। और ये एक जेल है, एक करेक्टर जेल है, सीरम की तरह वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे ना थोड़ा बहुत ग्लो भी आ गया है इसको यूज़ करने के बाद, और इसके इसको ड्राई होने के बाद आप वैसे तो ये जल्दी से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके आधे या 1 मिनट के बाद ना आप अपने स्किन पे जो भी आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ना डे टाइम पे आप सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा ना हमारे जो स्किन पे स्पॉट्स होते हैं ना वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, जो आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी स्किन पे। आपको टैनिंग हो जाएगी और उसके बाद हमारे स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है जिसको रिमूव करना फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो सनस्क्रीन इज़ मस्ट हैव, आप डे टाइम पे उसको ज़रूर अप्लाई कर लेना। तो फ्रेंड्स ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। बात करें अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, मैंने इस प्रोडक्ट को 2 मंथ तक प्रॉपरली यूज़ किया, अभी 3 मंथ मुझे स्टार्ट हो गया है इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। सो इस पर ना बहुत सारे क्लेम्स किए गए थे इसकी पैकेजिंग में, लाइक अभी हम जैसे हम इस पर पढ़ रहे थे कि स्किन में से एक्ने स्कार्स को, पिगमेंटेशन को, एज स्पॉट्स ब्लेमिशेस को कम करता है, और साथ ही में रेडिएंट स्मूथ क्लियर एंड सॉफ्ट स्किन प्रोवाइड करता है। तो बात करें अगर सबसे पहले हम एक्ने स्पॉट्स की या फिर एक्ने स्कार्स की, सो डेफिनेटली ये उसे कम करता है। लाइक जैसे मैंने 2 महीने यूज़ किया और पिछली वीडियोस में मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं मैं बता रही हूँ अभी आपको। मुझे ना लास्ट ईयर बहुत सारे एक्ने पिंपल्स हुए थे और उसके स्पॉट्स अभी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही स्लाइटली से ये आप देख सकते हैं अभी स्पॉट्स मेरी स्किन पर भी, करंटली भी मुझे एक्ने वगैरह हो रहे थे तो उसके स्पॉट्स मेरी स्किन पर रह गए थे।
तो जैसे कि लास्ट 2 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसने ना 50-60% उन्हें फेड आउट किया था, जिससे डार्क स्पॉट ब्राउन स्पॉट हो गए थे, तो अब हल्के हल्के से रेडिश होने स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस स्पॉट्स होने में स्टार्ट हुई थी, वही अब इसे कम करने में भी स्टार्ट हो रही है। तो अभी ना इस ट्यूब को अराउंड ये 2.5 महीने या 3 महीने तक चलेगा, क्योंकि एक टाइम यूज़ करना है तो 30 ग्राम क्वान्टिटी काफ़ी रहती है। तो अभी 2 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, ये प्रोडक्ट अभी भी चल रहा है, आई थिंक इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, शायद ये 2.5-3 महीने चल जाए, 15 या 30 दिन और चलेगा ये प्रोडक्ट। सो इसमें मुझे ये चीज़ फील हुई ना कि डेफिनेटली ये आपके एक्ने स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स ये कम करने में हेल्पफुल रहता है, बट नॉट श्योर कि ये 100% वर्क करेगा, क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूँ अगर इसने 50-60% इन 2 महीनों में काम किया है, तो आगे चल के भी ये आई थिंक 1-2 पैकेजिंग यूज़ करने पे ये वर्क करेगा, 90-100% ये काम करेगा। 100 मैं श्योर नहीं कह सकती, क्योंकि स्पॉट्स बहुत सारे रीजन्स होते हैं, आपको अगर दोबारा एक्ने पिंपल्स हो गए तो दोबारा स्पॉट्स होंगे, अगर आप डे टाइम पे सनस्क्रीन नहीं लगा के गए तो स्पॉट्स और डार्क होंगे, डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी स्किन का कितना ध्यान रख रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सनस्क्रीन लगा रहे हैं, अगर आपको अपनी स्किन आप हेल्दी रख पा रहे हैं, उसमें एक्ने वगैरह नहीं हो रहे, आप प्रॉपर अच्छी चीज़ें अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, देन ये 100% वर्क करेगा। बट उसकी जगह में अगर आपको फिर से एक्ने हो गए या फिर पिगमेंटेशन हो गई, देन ये स्लो वर्क करेगा उस कंडीशन में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्लेम, एंड इसमें लिखा है कि पिगमेंटेशन को भी कम करता है। सो पिगमेंटेशन की बात करें, सो मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं थी, एंड लास्ट वीक जब मैं अभी भी एक और जगह में अभी शिफ्ट हो रखी हूँ, तो अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैं कहीं और भी शिफ्ट हो रखी हूँ किसी अदर स्टेट में। सो यहाँ पे क्या हुआ ना कि आधा टाइम पे मुझे थोड़ी टैनिंग हो गई थी, थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो गई थी, मतलब स्लाइटली सी, लाइक एक दिन मैं धूप पर रही थी अराउंड सफ़र की वजह से, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हो गई थी टैनिंग, पिगमेंटेशन वगैरह थोड़ा सा मेरी चीक्स वगैरह में हो गई थी, और इसने पिगमेंटेशन को भी कम किया, लाइक अभी 1-2 हफ्ते और हैं तो इसने ना मेरी स्किन पे अच्छा वर्क किया। और फिर इसमें लिखा था कि ये एज स्पॉट्स को कम करता है, सो एज स्पॉट्स अभी वो टाइम पीरियड मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है एज स्पॉट्स आने का, तो मेरी स्किन पे अभी तक कोई भी एज स्पॉट नहीं है। सो एज स्पॉट्स एक्चुअल में ना ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, जिसे हम मेलानिन प्रोडक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे मैं अभी छाया जो भी कह रही थी उसे तो ये कम करता है, तो एज स्पॉट्स को भी आई थिंक ये डेफिनेटली कम करेगा। एंड अगर बात करें इसके ब्लेमिशेस, या जो चीज़ मैंने नोटिस करी ना वो थी एक्ने स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स एंड ब्लेमिशेस, इनको तो ये डेफिनेटली कम करता है। ब्लेमिशेस कहाँ हो जाती है, हमारे इधर इधर साइड पे मेरी भी ब्लेमिशेस है हल्की हल्की, तो उसे भी ये कम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा रिलीफ इसमें से। फिर इसमें लिखा है कि स्किन को ये स्मूथ, रेडियंट, क्लियर एंड सॉफ्ट रखता है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ना इनफैक्ट ग्लोई भी हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। ओके, बट मेक श्योर कि आप अपने अफेक्टेड एरिया में यूज़ करना, पूरी स्किन, अंडर आई, पूरे नोज एरिया, यहाँ हर जगह यूज़ मत करना। लाइक मेरा अफेक्टेड एरिया है मेरा ये वाला चीक, चिन एंड ये वाला चीक, तो मैं बस यहाँ पे ही इसको यूज़ करती हूँ, और स्लाइटली से ना मेरे फोरहेड पे भी है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ कर लेती हूँ। सो आफ्टर ऑल एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट्स पर मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि इन दोनों को मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पिगमेंटेशन मेरी स्किन पे है नहीं, तो 20-30% ही वर्क करता है। जैसा मैंने आपको बताया लास्ट वीक मुझे सफ़र की वजह से हो गई थी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन, तो उस पर भी आई थिंक ये वर्क करेगा। एंड फ्रेगरेंस फ्री ये प्रोडक्ट है, आफ्टर ऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्टार्टिंग में ना थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन मुझे अपनी चीक्स पर हुई थी, बट आफ्टर 2-3 डेज वो कम हो गई, दिन में सिर्फ एक बार यूज़ करना है, और आफ्टर ऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ली है, वहाँ जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ही करते हैं ख़त्म, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।